वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनना बेहद जरूरी है, वैक्सीन के बाद भी मास्क लगाना जरूरी होगा। एक रिपोर्ट बताती है कि शहरी इलाकों में 76% लोग मास्क लगाते हैं, लेकिन इनमें से कई परसेंट ऐसे हैं जो सिर्फ नाम के लिए मास्क लगाते हैं। गलत मास्क लगाना मास्क ना लगाने से ज्यादा घातक है। WHO सही मास्क लगाने का तरीका कई बार बता चुका है। मास्क का इस्तेमाल ट्रांसमिशन को रोकने और जीवन बचाने के उपाय के तौर पर किया जाना चाहिए। हम आपको आपकी ऐसी कई गलतियां बताएंगे जो मास्क लगाते हुए आप रोज करते हैं, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकती है। मास्क को बार बार एडजस्ट करना। आप चेहरे से पसीना या किसी वजह से भी मास्क को छूते रहते हैं। आपकी यह आदत आपके स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि मास्क को छूना संक्रमण की संभावना को और ज्यादा बढ़ा देता है। अगर नाक बाहर है तो मास्क पहनने का कोई मतलब नहीं। ये एक ट्रेंड चल चुका है कि मास्क लगा है लेकिन वो नाक से नीचे है। कई लोग गर्मी या कई दूसरे कारणों के चलते अपनी नाक को मास्क से बाहर रखते हैं। ऐसे लोग खतरे को खुद दावत देते हैं। अगर आप बाहर निकलें तो मास्क से मुंह और नाक को पूरी तरह कवर करें। अगर मास्क आधा लगा है तो वो ना पहनने से ज्यादा खतरनाक है। बातचीत करने के लिए बार बार मास्क हटाना। मास्क लगाने का मुख्य कारण ही ड्रॉपलेट्स को ट्रैप करना है। अगर आप मास्क हटाकर किसी से बात करेंगे तो दूसरे व्यक्ति के मुंह से निकली हुई बूंदें आप तक पहुंच जाएंगी और आपके मुंह से निकले हुए ड्रॉप्स दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाएंगे, जिसकी वजह से संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है। मास्क हमेशा सीधा ही पहने। अगर आप मास्क को अच्छे से देखें तो उसमें एक पिन होती है जो आपकी नाक पर फिट होने के लिए लगाई जाती है। जब आप मास्क पहने तो पिन वाला ये भाग हमेशा आपके ऊपर वाले हिस्से पर होना चाहिए। मास्क उतारने का सही तरीका क्या है? मास्क को सामने से कभी नहीं छूना चाहिए। अगर आप मास्क निकालना चाहते हैं तो पिछले हिस्से पर लगी गांठ को खोलें, मास्क की पट्टियों को कान या सिर के पीछे से खोलें और उसे आराम से हटाएं। मास्क हटाने के बाद तुरंत डिस्पोज करें और हाथों को सैनिटाइज करें। इसके अलावा सिंगल यूज मास्क को कभी दोबारा न पहने, क्योंकि ये खतरे की संभावना को और ज्यादा बढ़ाता है। कोरोना को लेकर एक और डरावनी खबर है। दूसरी खबर ये है कि रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी कोरोना का खतरनाक असर दिखाई दे रहा है। हमारी सांसों पर हरदम कोरोना वायरस का खतरा मंडरा रहा होता है, क्योंकि ये सांस के जरिए ही हमारे शरीर में प्रवेश करता है। अब MRI की एक रिपोर्ट में सामने आया है कि कोरोना से ठीक होने के बाद दुनिया में 40% मरीजों को दिल में परेशानी हुई है। कोरोना हार्ट की मांसपेशियों में सूजन बढ़ा देता है, जिससे हार्ट को पंपिंग करने और ब्लड सप्लाई में दिक्कत होती है। इस कारण सीने में तेज दर्द हो जाता है, कभी कभी धड़कनों की गति भी प्रभावित होती है। शोधकर्ताओं के मुताबिक संक्रमण होने पर शरीर में ऑक्सीजन बाधित होती है, जिससे हार्ट को ब्लड कई अंगों तक पहुंचाने में अधिक मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए संक्रमण के दौरान हृदय पर दबाव बढ़ता है, इसीलिए हार्ट के टिश्यू कमजोर होने लगते हैं और कोरोना से छुटकारा मिलने के बाद भी मरीजों में दिल के मसल्स में सूजन की दिक्कत पाई जाती है।